नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। इस्लाम शांति और सद्भाव का संदेश देता है, आतंक को धर्म से नहीं जोड़े मोदी। शांति और सद्भाव के संदेश के लिए इस्लाम की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अल्लाह के 99 नामों में से किसी का मतलब हिंसा से नहीं है, तथा उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ टकराव नहीं है, तथा आतंक एवं धर्म को अलग किया जाना चाहिए। प्रथम विश्व सूफी मंच को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि मानवता के लिए इस महत्वपूर्ण समय पर इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन होना दुनिया के लिए अहम है। जब हिंसा की काली परछाई बड़ी होती जा रही है, तो उस समय आप उम्मीद का नूर या रोशनी हैं। जब जवान हंसी को बंदूकें खामोश कर रही हैं, तो आपकी आवाज मरहम है। हाफिज सईद की भाषा बोल रहे हैं ओवैसी। भाजपा ने IMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी पर आतंकवादी हाफिज सईद की भाषा बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए उन्होंने मातृभूमि का अपमान करना शुरू कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा ने कहा कि ओवैसी और कुछ दूसरे नेता हाफिज सईद की भाषा बोल रहे हैं। उन्हें सस्ती लोकप्रियता के लिए ये नहीं करना चाहिए, उनको मातृभूमि का अपमान नहीं करना चाहिए। मोदी का विरोध करते हुए उन्होंने अब मां भारती का विरोध करना भी शुरू कर दिया। शत्रुघ्न सिन्हा बोले, अमिताभ बच्चन बने देश के अगले राष्ट्रपति। बॉलीवुड अभिनेता और वरिष्ठ भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन को प्रणब मुखर्जी के बाद देश का राष्ट्रपति बनाए जाने की वकालत की। पटना में बातचीत करते हुए सिन्हा ने कहा कि ये गर्व का विषय होगा अगर सांस्कृतिक आइकॉन अमिताभ बच्चन को देश का राष्ट्रपति बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन ने फिल्म, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की है, और अगर वे देश के राष्ट्रपति बनते हैं तो इससे देश का नाम होगा। सिन्हा और अमिताभ ने बॉलीवुड की हिट फिल्में काला पत्थर, दोस्ताना और शान में साथ काम किया है।